जो कारण है वो एक लड़की का संन्यास लेना है, वो लड़की मैं हूं, मैंने संन्यास लिया है और इसके कारण ही सारा विवाद बना हुआ है। कब से विवाद हुआ है? ये लगभग 2-2.5 महीने से है जी। क्यों, किस कारण विवाद हो रहा है? जी उनकी सोच है कि एक लड़की संन्यास नहीं ले सकती, वो साध्वी नहीं बन सकती, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि हमारा जो पंथ है वो बिमला माई का पंथ है, वो भी एक औरत ही थी जिसने, मतलब जो ये पंथ चलाया है शुरू से, वो भी एक औरत ही थी। और जब एक औरत पूरे देश पर राज कर सकती है, प्रधानमंत्री थी जो इंदिरा हाँ गांधी। जी हमने सब जगह अप्लीकेशन दे रखी है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। प्रशासन के एक दो अफसर हैं, देखो पूरे प्रशासन को तो मैं बोलूंगी नहीं, पर एक दो अफसर हैं जो बिकाऊ हैं, जिन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है। इस वजह से हमने हाई कोर्ट से रिट पिटीशन में सुरक्षा ली थी जी, और उसके बाद अब डीजीपी को आदेश दिए गए हैं कि इन पर कार्रवाई की जाए जो आरोपी हैं, और हमारे को सेफ हाउस में रखा था कैद करके जो अफसर है वहां के, तो मतलब इसके बारे में भी पूछा है, वहां रखने का कोई प्राविधान नहीं है, तो इनको सेफ हाउस में क्यों रखा था? सिर्फ अफवाह फैलाने के लिए रखा था। उनमें आगे है पुरुषों से, तो एक साध्वी क्यों नहीं बन सकती? मैं कोई पहली साध्वी थोड़े हूं ना जो इतना विवाद उठा रखा है। बाहर जाके देखो कितनी साध्वी है, और जो मेरी तरफ बोल रहे हैं, जो मेरी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो गुंडागर्दी चला रहे हैं अपनी। अगर गुंडागर्दी चलानी है तो अपना बाना उतार के गुंडागर्दी ही चला ले फिर। तो साधु आदमी साध्वी का रूप धारण किया है, तो ये परिवार का भी आपके साथ साथ रहा? हाँ जी बिल्कुल, ये मेरी माता जी हैं, आप इनसे पूछ सकते हो, ये बिल्कुल खुश हैं। और वैराग्य किसी के मन में भी पैदा हो सकता है, इसमें कोई नियम नहीं है कि पुरुष ही भक्ति करेंगे या पुरुष ही संन्यास लेंगे, ऐसा कहीं भी प्राविधान नहीं है। परिवार की इच्छा से ये साध्वी बनी है या किसी प्रकार का दबाव? ना ये तो तुम्हें मर्जी तो बने हैं, हमारा घर के भी गल है, मेरी भाभी भाई भी और मैं भी जय कर किसी प्रकार का दबाव तो नहीं है ना, किसी? कोई दबा नहीं, जब मर्जी तो बने तो, या तो अपने संन्यास ले वह है भक्ति में ध्यान है इसका। मैं तो न्यू कह जमा न्यू अंडे जब तक के खांदी न्यू, क्यों अंडा की मिली पढ़ी लिखी है, अपने संन्यास ले लिया, छोड़ दिया सारा घर रिश्ती रो। नहीं, आप तो वो परिवार के सदस्य हो, आप माता जी हो। ना मैं तो राजी, मेरे भाई राजी, मेरी छोरी बड़ी राजी, मैंने और पके लेना है, मेरी रिश्तेदारी तो है राजी, और कमने की मतलब है ठीक, मेरे रिश्तेदार सारे कुछ है तो साध्वी बनने पर खुश हैं, किसी हाँ, कुछ प्रकार की आपत्ति नहीं है? ना ना कोई तो गांव जबरदस्ती वाले ही विवाद कर रहे हैं, आपका कहने का मतलब नहीं। है कुछ हाँ शरारती लोग हैं? आप बताना शरारती चाहोगे उनके क्या क्या नाम है, क्या किस प्रकार से आपको परेशान कर रहे हैं? जी, उनके नाम है पम्मी गप्पू बुद्धिमान, और एक है सुनील सरपंच, एक है सुल्तान, मतलब एक दो और हैं जी, ये 6 शरारती तत्व हैं जिनके मेन नाम हैं, जो मेरे को परेशान कर रहे हैं कि ये डेरे में नहीं आनी चाहिए। तो आपके द्वारा कोई एप्लीकेशन, इन लोग आपने जो नाम बताए हैं उनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन वगैरह दी गई है? हर जगह दे रखी है, हमने दे रखी है जी, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मेरी आवाज को दबाया जा रहा है, जो मेरे पक्ष में बोल रहा है उनको धमकी आने लग रही है जी, ये सारी गुंडागर्दी है, धक्का पेल चल रही है और कुछ नहीं। तो सरकार से क्या मांग करते हो आप? मैं तो यही मांग कर रही हूँ जी, मेरे अधिकारों की रक्षा की जाए, जो एक स्वतंत्र अधिकार होते हैं, औरत हो चाहे पुरुष हो, उनको मतलब नीचे दबाया जा रहा है, बस मेरी यही मांग है जनता से भी, सरकार से भी, हाई कोर्ट से भी, हर जगह से, कि मेरे अधिकारों की रक्षा की जाए, मेरा जो सन्यासी जीवन है वो मेरे को जीने का अधिकार दिया जाए। और जो संत है, साधु संत है, वो भी तो एक माँ की गर्भ से पैदा हुए हैं, जो सुकराई नाथ जी बोल रहे कि एक महिला नहीं रह सकती साधुओं के बीच में, वो संन्यास नहीं ले सकती, वो भी तो एक माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं जी। तो किस नाम से डेरा है, कहाँ पर डेरा है? डेरा ये दादा काला पीर है, गांव संढेल में, और गुरु परंपरा के हिसाब से मेरे गुरु वहां मैन थे, उसके बाद में। तो कितनी जमीन है डेरे की? जमीन 7.5 एकड़ जमीन है। तो किसके नाम है आप? वो मेरे गुरु जी के नाम है, बाबा सिपाही। तो दूसरे लोग क्या चाहते हैं, किस कारण की बात? दूसरे लोग वहां पे डेरे की जमीन पे कमेटी बनाना, उसको खुर्द बुर्द करना चाहते हैं। तो इसमें किसका हाथ नजर आ रहा है? इसमें ये है 6 जने हैं जिनका हमने एप्लीकेशन दी हुई है उनके नाम से। तो वह एक्चुअल में जमीन, जो जमीन है ये किसके नाम से है, और किस गुरु परंपरा कब से किसके नाम से चली आ रही है? ये डेरा कम से कम 500-600 साल पहले से आ रहा है, और यहाँ पे जो महंत बैठता है उसके बाद उसका चेला बैठता है, और परंपरा के हिसाब से गुरु के बाद चेले के नाम ही जमीन आती जा रही है। तो शुरू से बताएंगे आप किस किस का नाम? शुरू से ये जब आजादी से पहले है, उर्दू में है ये नवाई नाथ के, उसके बाद है
दुर्गाईनाथ के, उसके बाद है रमलाईनाथ के, उसके बाद ये है खिलाईनाथ के, फिर है बरसाईनाथ के, और फिर मेरे गुरुजी हैं जो बाबा सिपाहीनाथ। बाबा सिपाही जगन्नाथ जी के बाद आपका, तो आप कब से डेरे में रह रहे हो? मैं 20 साल पहले डेरे में संन्यास लिया था, और मेरे गुरुजी कभी मेरे को अड़ेवा भेज देते, कभी कहीं भेज देते, मैं उनकी सेवा में हाजिर रहता था। 2015 में मेरे गुरु ने शरीर त्याग दिया, समाधि ले ली। उसके बाद मेरा गुरु भाई था, वो एक उसको चाबी दी गई थी, महंत नहीं बनाया गया, वो फिर अपने आप ही, उसके गांव वाले ने उसके पैसे खा लिए, कोई 5 लाख ले गया, कोई उससे ज़बरदस्ती पैसे खा गए, वो अपने आप ही डेरा छोड़ के चला गया। उसके बाद गांव वाले मेरे को वहां पे बिठाया था, और चद्दर रसम पूरे विधिवत अनुसार बिठाया था। तो जब से आप ही बैठे हो? हाँ, तब से मैं। तो किस कारण परेशान किया जा रहा है? परेशान बस यही, उस जमीन पे कमेटी बनाना चाहते हैं। तो आप कमेटी से खुश नहीं? नहीं, हम खुश नहीं। तो इसको लेकर कोई कोर्ट में या प्रशासन को आपने एप्लीकेशन दी? एप्लीकेशन में लिखा है डेरे की जमीन को खुर्द बुर्द करना चाहते हैं। तो कोर्ट से कोई सुविधा आपको अभी तक मिली? कोर्ट से हमको ऑर्डर मिला डेरे का, लेकिन चौकी इंचार्ज है नफे सिंह, वो गाँव के साथ मिली भगत करके, और वहाँ पे आंदोलन दिखाता, सारा गाँव खिलाफ दिखा रहा है मेरे से पर, लेकिन सारा गांव खिलाफ नहीं है, जो भी मेरी साइड बोलता है उसको दबाया जा रहा है। तो कोर्ट से जैसे अगला ये जो आपने आरोप लगाए हैं, जो थाना प्रभारी पर आरोप लगाए हैं, तो उनके खिलाफ कोई शिकायत वगैरह? हाँ, हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं डीजीपी साहब को, 3-6 जनों पे एफआईआर दर्ज करके, और जो भी पुलिस अधिकारी इसमें शामिल मिले उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो, और 12 तारीख को एफिडेविट जमा करने हैं। 12 इसी 12 तारीख इसी तो प्रशासन से क्या अपील रहेगी? प्रशासन से यही अपील रहेगी, प्रशासन अपने जिम्मेदारी पे खरा उतरे, अपनी कार्रवाई सही ढंग से करे। तो ये लोगों का आरोप है कि महंत नहीं बन सकती महिला? महंत तो ये नहीं, अभी तो इसने भगवा धारण किया है, महंत तो गुरु अगर जीते जी बिठा के जाएगा तो महंत भी बन सकती है, लेकिन अभी इसने भगवा धारण किया है, और कई साधवियां हैं जो हमारी नाथ संप्रदाय में बनी हुई है। तो गुरु परंपरा क्या कह रही है, ये बन सकती है? हाँ, नहीं बन सकती, बन सकती है। जो हमारा बेक 12 पंथ योगी महासभा है, जिसके योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री हैं और बालकनाथ उप प्रधानमंत्री हैं, उसमें प्रावधान है कि अगर चेली बना रही है तो 1.25 लाख हमारे ऊपर दंड लगाया जाता है, हम 1.25 लाख रुपया भर देंगे तो वो हमें मानता दे रही। तो इनके द्वारा राशि जमा कराएगी? नहीं, अभी नहीं करवाएगी, वो समय आने पर। वो तो ऐसे हुआ ना, सुकराई नाथ के कोई अधिकार नहीं है वहां बैठाने का, सुकराई नाथ ने जो बाबा मेरे गुरु की सिपाही नाथ की गाड़ी थी HR 38N 8001, उसका इंजन चोरी करवाया, उसके गनमैन ने चोरी किया है, और मेरे गुरु के नाम से गांव के लोग चंदा मांग रहे हैं और उसको पैसा दे रहे हैं, बल्कि सुनील गांव जानता है कि सुकराई नाथ ने मेरे गुरु की गाड़ी को चोरी किया है, लेकिन गाँव वाले उसको इसलिए लेके आए हैं हमारी दोनों की पहले से केस चले हुए हैं, उसने मेरे पे झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था 307 का, और जो बरिया हो गया 307 सेशन जज के सामने, जज ने सुकराई नाथ को सारा दिन हाथ जोड़ के खड़ा रखा, 11,000 रुपये दंड लगाया था सुकराई नाथ को। वो बातें अभी मैं जानता हूँ, सुकराई नाथ भी जानता है कि उसको 11,000 रुपये दंड सेशन ने लगाया था, और सारा दिन हाथ जोड़ के कोर्ट के अंदर खड़ा रखा। कब्जा करना नाजायज कब्जा करना, कोई पीर नहीं है, कोई मानता नहीं है उसकी। मेरी सुनील गांव से अपील है कि इन शरारती बच्चों को समझाओ, और मैं जिस दिन भी डेरे में जाऊंगा तो कई बच्चों को ये आगे अड़ा देते हैं, उनको आगे नौकरी भी लगना है, किसी को विदेश जाना है, अगर किसी के ऊपर कोई केस दर्ज होगा तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। तो बड़े बुड्ढों से प्रार्थना मेरी, उन बच्चों को समझाओ कि मेरा रास्ता ना रोके। तो